विनाश, 100 विमानों से 5000 हमले। आखिरकार 3 हफ्ते बाद इजरायली सेना IDF ने गाजा में भीषण विनाश लीला शुरू कर दी है। पिछले 18 घंटे में गाजा पट्टी को जमीन में दफन करने के लिए इजरायली वायुसेना ने विनाश की हद तक बम और मिसाइलों से हमले किए हैं। तरबूज की तरफ फटती इमारतों ने, जमीन पर फिलिस्तीनियों और हमास लड़ाकों के उड़ते चीथड़ों ने पूरे गाजा में भयानक कोहराम मचा दिया है। महज एक घंटे के अंदर इजरायली वायुसेना ने 100 फाइटर जेट से 5000 से ज्यादा हमले किए हैं। उत्तरी और दक्षिणी गाजा में हर तरफ भयानक खून खराबा हो रहा है। ईरान और तुर्की के उड़े होश, पागल हो गए हैं नेतन्याहू। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जमीन पर IDF के स्पेशल फोर्स ने टैंक, रॉकेट, लड़ाकू बख्तर बंद से उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों को रौंद डाला है। अल जजीरा चैनल ने दावा किया है कि उत्तरी गाजा के एक हिस्से में इजरायल के हवाई हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत महज 5 मिनट के अंदर हुई है। हमास का राजनीतिक चीफ इस्माइल हानिया और हमास का टॉप लीडर याया सिनवार भी रात भर हुए इजरायली हमलों को देखकर बौखला गया है। यहां तक कि ईरान और तुर्की भी इजरायल के भीषण हमलों को देखकर दंग। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने तो यहां तक कह दिया है कि इजरायल के PM बेन्यामिन नेतन्याहू हमास से बदला लेने के चक्कर में पागल हो चुके हैं। हमास के आधे कमांडर इजरायल ने मार डाले। हम आपको पिछले 36 घंटे में गाजा में हुए इजरायल के इंतकाम की वो खबरें दिखा रहे हैं जिसने रूस, ईरान, सीरिया, लेबनन, जॉर्डन, तुर्की और मिस्र को सन्न करके रख दिया है। पिछले 36 घंटे में इजरायल ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और लेबनन बॉर्डर पर कहां कहां हमले किए हैं और क्यों अमेरिका कहने को मजबूर हुआ है कि अब गाजा में वो तबाही होनी शुरू हो गई है जिसके बारे में ना तो हमास ने कल्पना की थी और ना ही उन आतंकी और चरमपंथियों ने जो इजरायल पर हमास के हमले के बाद जश्न मना रहे थे। अब जरा ये भी जान लीजिए गाजा पट्टी में क्या हो रहा है। भीषण हवाई हमलों में गाजा के उड़े चीथड़े। उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा और वेस्ट बैंक में रात भर IDF ने हमले किए हैं। गाजा पट्टी के लोगों का दावा है कि पिछले 21 दिन में सबसे भीषण हमले गाजा में हुए हैं। पूर्वी गाजा में विशेषकर उत्तरी क्षेत्र में जबालिया शरणार्थी शिविर से लेकर बेट लाहिया और बेट हानुन तक लगातार बमबारी हुई है। खबरों के मुताबिक IDF के 100 फाइटर जेट्स ने 5000 से ज्यादा हमले पिछले 24 घंटे में किए हैं। उत्तरी गाजा में महज 5 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी हमास समर्थक मारे गए हैं। शुक्रवार की रात हुई भयंकर बमबारी में गाजा में 150 से ज्यादा अंडरग्राउंड सुरंगें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं, जिसमें दर्जनों हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं। בעזה אנחנו מתקדמים בשלבי המלחמה. הלילה כוחות צה"ל נכנסו לשטח צפון רצועת עזה והרחיבו את הפעילות הקרקעית. בפעילות זו לוקחים חלק כוחות חי"ר, שריון, הנדסה וארטילריה שמלווים באש כבדה. חזה כה סרבנש, 100 ויימנו סי 5000 המלה. ישראל סורקשה בלו נה דאבה קיה היא. कि उन्होंने जमीनी सैनिकों, लड़ाकू विमानों और ड्रोनों से हमास के एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पैड, कमांड सेंटरों और कंट्रोल रूम पर हमला किया। IDF ने यह भी कहा कि फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के कार्यकर्ताओं पर हमला किया है। इसके अलावा इसराइल ने गाजा में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। उन पर लगातार व्हाइट फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है।
इस दौरान उन्होंने गाजा में इंटरनेट और फोन सेवा भी ठप कर दी है। نحن الآن نتواجد في منطقة بئر النعجة شمال قطاع غزة هذا استهداف لثلاث منازل لعائلة العطعوط ونبهان وشعبان كما تشاهدون حجم الدمار في المكان غزة युद्ध में पिछले 21 दिनों से दोनों तरफ से 9000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जहां इजराइल पर हमास के हमले में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई तो वहीं गाजा पट्टी में इजरायली एयर स्ट्राइक में 8000 के करीब जान जा चुकी है। इस बीच इजरायल ने दावा किया है कि उसकी सेना गाजा पट्टी में दाखिल हो चुकी है और हमास और आईडीएफ में भीषण गोलीबारी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हमास की सशस्त्र शाखा अल कसम ब्रिगेड ने इजरायली हमले के बाद कहा है कि हम बेत हनोन और ब्योरिस के पूर्व में इजरायली जमीनी हमले का सामना कर रहे हैं और जमीन पर हिंसक झड़पें हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्योरिस गाजा पट्टी के मध्य भाग में मौजूद है जबकि बीच हनोन फिलिस्तीनी एनक्लेव के उत्तर पश्चिम में है जहां पिछले 18 घंटे में हमास के कमांडरों को इजरायली सेना ने भून कर रख दिया है। इजरायल ने मार डाले हमास के आधे कमांडर। इजरायल हमास युद्ध के 22वें दिन इजरायली सुरक्षा बल हमास एयरफोर्स के चीफ अबू रकाबा को मार डाला है। अबू रकाबा हमास के यूएवी ड्रोन पैराग्लाइडर के लिए जिम्मेदार था। उसने 7 अक्टूबर के नरसंहार की योजना बनाने में भाग लिया और पैराग्लाइडर पर इजरायल के घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों की कमान संभाली और आईडीएफ चौकियों पर ड्रोन हमलों के लिए जिम्मेदार था। लेकिन शुक्रवार की रात इजरायली वायुसेना ने हमास एयरफोर्स चीफ अबू रकाबा को मार गिराया है। इसके अलावा हमास इंटेलिजेंस का डिप्टी हेड शादी बारूद भी मारा जा चुका है। हमास का बटालियन डिप्टी कमांडर इब्राहिम जाबदा भी मार दिया गया है जो लगातार कई दिनों से इजरायली सेना पर पलटवार कर रहा था। इसके अलावा हमास का ही बटालियन कमांडर रिफत अब्बास भी इजरायल के हवाई हमलों में मारा गया है जबकि हमास के सबसे माहिर कमांडरों में से एक तारिक मारूफ को भी इजरायली सेना ने खुफिया मिशन में मार गिराने का दावा किया है। אנחנו נגיע לתוך השטח ואנחנו נחסל את החמאס. פשוטו כמשמעו, אחרת לא יהיה לנו קיום כאן. בתנאי. חזה का सर्वनाश, 100 विमानों से 5000 हमले। आप गाजा पट्टी में जितने बड़े खून खराबे की कल्पना कर सकते हैं कर लीजिए क्योंकि आपकी कल्पना और सोच से कहीं ज्यादा खूनी जंग गाजा में हो रही है। गाजा जंग अब इजरायल की वजूद से जुड़ गई है। या तो अब यहूदियों का इजरायल रहेगा या फिर मुस्लिम देशों के हीरो बने हमास का गाजा इजरायल को मिटा देगा। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने अब ऐसा खुलासा कर दिया है जो गाजा की जंग को शायद दुनिया की सबसे खूनी जंग बनाने जा रहा है। बराक ने दावा किया है कि इस वक्त गाजा पट्टी में हमास की सुरंगों में इसराइल के सबसे माहिर और बेरहम सैनिक हमास के लड़ाकों और कमांडरों को चुन चुन कर मार रहे हैं। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने न्यूज वीक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इजरायल की आईडीएफ को गाजा पट्टी में बेहद शातिर और क्रूर हमास लड़ाकों से लड़ना पड़ रहा है। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने दावा किया है कि सुरंग में घुसकर हमास के लड़ाकों को मारने के लिए इजरायल ने अपने सबसे माहिर और बेहतरीन सैनिकों को भेजा है जिन्हें 269 सायरेट मटकल के नाम से जाना जाता है। इजरायल की ये ऐसी खुफिया सैनिकों की यूनिट है जो बेहद तेज दिमाग और दिलेरी से हमास के लड़ाकों को खत्म कर रहे हैं। दावा किया गया है कि इजरायल की 269 सायरेट मटकल ही हमास के कमांडर और डिप्टी कमांडर्स को चुन चुन कर मार रही है। ईरान और तुर्की के उड़े होश, पागल हो गए हैं नेतन्याहू। निकल जा,
अगर हम मौजूदा हताहत लोगों की बात करें तो ये दावा किया जा रहा है कि हमास के हमले में अब तक इसराइल के 1,405 लोगों की मौत हो चुकी है और 5,431 घायल हैं। इसराइली हवाई हमले में गाजा पट्टी में अब तक कुल 8,400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें 3,038 बच्चे, 1,726 महिलाएं और 397 बुजुर्ग शामिल हैं। वहीं गाजा पट्टी में 18,967 लोग घायल हैं। गाजा का सर्वनाश, 100 विमानों से 5,000 हमले। खबर तो यहां तक आ रही है कि ईरान के इशारे पर लेबनन के हिजबुल्ला ने इजरायली सेना से सीधी जंग के लिए गाजा पट्टी को फाइनल वॉर जोन बना दिया है। ईरान से मिली बेहतरीन ट्रेनिंग की बदौलत हिजबुल्ला के 60,000 लड़ाके इजरायल के लिए किसी यमदूत से कम नहीं है। अगर हमास हिजबुल्ला के दूसरे जिहादी गुटों के लड़ाकों को जोड़ दिया जाए तो इस वक्त 2,56,000 से ज्यादा खूंखार लड़ाके गाजा, इस्लाम और जिहाद के नाम पर इजरायलियों को गाजर मूली की तरह काटने पर उतारू हो चुके हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला के पास 45,000 ऐसे लड़ाके हैं जो अमेरिका और रूस के स्पेशल फोर्स के सैनिकों की तरह जंग करने में माहिर हैं। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला यहां तक दावा करते हैं कि उनके पास 1,50,000 से ज्यादा मिसाइलें हैं जो इसराइल को मिडल ईस्ट के नक्शे से मिटा देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से इसराइल ने अब गाजा पर हमले शुरू कर दिए हैं, क्या ऐसे हालात में हमास और समर्थक मुस्लिम देश इसराइल को रोक पाएंगे?